दुनिया की 5 सबसे खतरनाक अम्यूजमेंट पार्क राइड्स। दोस्तों, जब भी अम्यूजमेंट पार्क घूमने का ख्याल हमारे मन में आता है तो हमें याद आती है अम्यूजमेंट पार्क की मजेदार और रोमांचक राइड्स। मगर आज हम बात करेंगे दुनिया की 5 सबसे खतरनाक राइड्स के बारे में, जिन पर राइड करना मतलब मौत के झूले की सवारी करने के बराबर है। दुनिया के खतरनाक झूलों पर यह हमारा पार्ट 4 है। अगर आपने पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 1, बिगेस्ट क्लिफ स्विंग इन साउथ वेस्ट चाइना। दोस्तों, हमारी पहली वीडियोस में भी आप खतरनाक स्विंग्स के बारे में जान चुके हैं, लेकिन चाइना में मौजूद 2295 फीट ऊंची एक पहाड़ की चोटी पर बनाई गई ये स्विंग दूसरी स्विंग से अलग है। इस स्विंग का अपना फ्रेम 355 फीट ऊंचा है, जो कि रेनबो की तरह बनाया गया है। इस झूले में राइडर को पहले सेफ्टी हार्नेस के साथ बांधा जाता है और फिर राइडर को इस स्विंग की बैक साइड पर बने एक टावर की तरफ खींचा जाता है और फिर अचानक उसे छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद राइडर 130 किलोमीटर पर आर की स्पीड के साथ ये झूला झूलता है। राइडर खौफ के साथ साथ इस पहाड़ के इर्द गिर्द के इंतहाई खूबसूरत नज़ारों से भी लुत्फ़अंदोज़ होता है। ये राइड इतनी खतरनाक है कि इसे लेने से पहले राइडर का ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है और साथ ही एक एग्रीमेंट पर साइन भी करवाए जाते हैं कि इस राइड के दौरान अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इस राइड को दुनिया की सबसे ऊंची स्विंग के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। नंबर 2, सुपर स्लिंग ब्रांसन अम्यूजमेंट पार्क मिसूरी। ये राइड कैटापल्ट यानी गुलेल की तरह बनी है, जो जमीन से 200 फीट बुलंदी पर टावर के साथ बनाई गई है। इसमें दो चेयर्स को एक दूसरे की बैक साइड के साथ जोड़ा गया है। इस राइड में दो राइडर बैठते हैं और राइड को गुलेल की तरह छोड़ दिया जाता है, जो 200 फीट से भी ऊपर जाती है। इस वक्त इस स्लिंग राइड की स्पीड 100 माइल पर आवर होती है। इसी स्पीड से ये वापस जमीन की तरफ आती है, वो भी योयो स्पिनर की तरह। जब तक ये राइड रुकती नहीं तब तक राइडर भी योयो स्पिनर की तरह गोल गोल घूमते रहते हैं। इसमें सर चकराना, वॉमिटिंग और तबीयत का खराब होना आम बात है। नंबर 3, 0G एरोप्लेन राइड। यह है दुनिया की सबसे महंगी और अनोखी राइड। इस राइड के अनोखे और दिलचस्प एक्सपीरियंस के लिए आपका कम से कम 15 साल का होना जरूरी है। इस राइड में आप वेटलेसनेस यानी जीरो ग्रेविटी का मजा ले सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पेस में एस्ट्रोनॉट लेते हैं। इस राइड में पायलट प्लेन को जब 24,000 फीट की हाइट पर ले जाता है तो प्लेन की स्पीड तेज कर देता है और उसे 45 डिग्री के एंगल पर ऊपर की तरफ उड़ाता है। इस पोजीशन में प्लेन के अंदर बैठे लोग जी फोर्स की वजह से अपने वजन को नॉर्मल से डबल होता महसूस करते हैं। जब प्लेन 32,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो पायलट प्लेन के इंजन को बंद कर देता है और प्लेन का रुख नीचे की तरफ कर देता है। हाई स्पीड और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से प्लेन में बैठे लोग फ्लोट करने लगते हैं। प्लेन दोबारा जब 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो इंजन दोबारा स्टार्ट कर दिया जाता है और फिर 32,000 फीट तक पहुंचाया जाता है और इंजन बंद करके दोबारा 24,000 फीट की ऊंचाई तक लाया जाता है। इस एक बार की फ्लाइट में प्लेन 15 बार पैराबोलिक आर्क पाथ पर जिगजैग की तरह 24,000 फीट से 32,000 फीट के बीच ऊपर नीचे होता है। इस दौरान प्लेन में बैठे लोग 7 से 8 बार वेटलेसनेस को फील करते हैं और जीरो ग्रेविटी का मजा लेते हैं और तरह तरह के स्टंट्स करते हैं और वीडियोस और पिक्स बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस प्लेन की राइड का मजा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको $5,400 खर्च करना पड़ेंगे, इसीलिए इसे दुनिया की सबसे महंगी राइड कहा जाता है। नंबर 4, डिस्को फाइबर। इस राइड में इतने जोरदार झटके दिए जाते हैं कि राइडर के हाथ की ग्रिप ढीली हो ही जाती है और जिस राइडर का हाथ स्टील रॉड से छूट गया उसका संभल पाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ये राइड जोरदार झटकों के साथ कभी बहुत ही तेज हो जाती है तो कभी बहुत ही स्लो। ये राइड जर्मनी, इटली, चाइना और जापान के अलावा दुनिया के मुख्तलिफ अम्यूजमेंट पार्क में पाई जाती है। उतना फन इस राइड में बैठने वाले नहीं करते जितना फन इस राइड को देखने वाले करते हैं। नंबर 5, एज कोस्टर। दोस्तों, ये राइड फलपाइन में मौजूद एक 38 स्टोरी बिल्डिंग के टॉप पर बनाई गई है। ये 2 सीटर एक कोस्टर है जो बिल्डिंग के किनारों पर बनाए गए ट्रैक पर चलता है। ये रोलर कोस्टर बाकी रोलर कोस्टर की तरह तेज तो नहीं है, लेकिन जब ये राइड लोगों को 427 फीट की खतरनाक ऊंचाई से 65 डिग्री एंगल के साथ बाहर की तरफ बेंड करती है तो खौफ के मारे सांस हलक में अटक जाता है। राइडर लाख संभलना चाहे मगर फिर भी उसे यही लगता है कि अभी वो फिसल कर नीचे गिर जाएगा। ऊंचाई से डरने वालों के लिए ये राइड मौत की सवारी से कम नहीं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 5 भी बने तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 5 लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल इलम के मोती सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।